काशी यानी पवित्र पावनी धरती, यहाँ पर रोम रोम कण कण में शिव जी का वास है। इसीलिए इस यहाँ पर स्थित लगभग सभी मंदिरों का जो इतिहास है वो पौराणिकता से जुड़ा हुआ है, यानी कि पुराणों में भी मंदिर के इतिहास को दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब बताता हूँ कि पुराण में इसकी क्या विशेषता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में, गंगा अवतरण के बारे में बताया गया है। जब तो गंगा अवतरण यानी कि गंगा का ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उस उत्पत्ति से पहले का ये मंदिर स्थित है। उस उत्पत्ति से पहले यहाँ पर एक माधो ऋषि यज्ञ तप किया करते थे, माधो ऋषि जी ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना में लग गए। उस समय इस मंदिर का नाम माधेश्वर मंदिर पड़ा। उसके बाद जब गंगा का अवतरण हुआ तो ये देखा गया कि यहाँ पर जो गंगा का वेग है बहुत तेज था, और शिव भगवान शिव की भोले की नगरी है ये, तो शिव जी को चिंता हुई कि कहीं काशी इस गंगा में बह ना जाए। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से इस गंगा में त्रिशूल को फेंका, जिससे एक टंकार हुई। आप समझ सकते हैं शूल टंकेश्वर, यानी त्रिशूल से जो टंकार हुई तो उससे गंगा का वेग रुक गया, कम हो गया। तो फिर भोलेनाथ जी ने ये उनसे वचन लिया कि आप काशी के बाहरी साइड से होते हुए बहेंगी और काशी के लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगी, और यहाँ इस गंगा में उपस्थित जितने भी जलीय जीव हैं वो भी काशी के लोगों को, जब जो भी स्नान करने आएंगे, जो भी भक्त होंगे, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर यदि हानि पहुंचाते हैं तो उन जलीय जीवों को आँखें नष्ट हो जाएंगी, अंधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस जगह की क्या महत्वता रही है पुराणों में भी। फिर इस मंदिर का नाम आगे चलकर शूल टंकेश्वर पड़ा, यानी कि शूल और टकराव, जो टकराव हुआ शूल से, इस वजह से इस मंदिर का नाम शूल टंकेश्वर मंदिर पड़ा। एक और रोचक बात मैं बताना चाहूँगा, काशी के जो 84 कोष की परिक्रमा है वो यहीं से शुरू होती है। ये पहला पड़ाव होता है जहाँ से 84 कोष की परिक्रमा शुरू होती है। और दूसरी रोचक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि गंगा पहले दक्षिण वाहिनी से होकर बह रही थी, क्योंकि भोलेनाथ जी ने यहाँ पर उनसे वचन लिया कि आप काशी से होकर गुजरेंगी, तो उस वचन में गंगा जी को ये वचन पूरा करना पड़ा। तो वो फिर गंगा जो दक्षिण वाहिनी बह रही थी वो उत्तर वाहिनी बहना शुरू हो गई। गाइज, यहाँ पर एक अलग से यज्ञ कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ के पुरोहित पंडित वगैरह ब्राह्मण जी लोग पूरा पाठ करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से।